सोनपुरी सरपंच सुनील उइके को प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर युवाओं ने किया स्वागत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम प्रयास में ही ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ग्राम सोनपुरी के सरपंच पद पर निर्वाचित हुए युवा सरपंच सुनील उइके, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह बघेल की विशेष अनुशंसा पर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां सुनील को इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भोपाल में अनेक अतिथियों की उपस्थिति में प्रदान की गई और भोपाल से उकवा आगमन पर सुनील के मित्रों और ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आज उनके भोपाल से उकवा आगमन पर आतिशबाजी कर बाजे गाजे से स्वागत कर उनका फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अनेक ग्राम के सरपंच एवं जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वहीं स्वागत अवसर पर सचिव भजन वलके, समाज सेवी एवं सर्वधर्म सेवा समिति अध्यक्ष जेम्स बारिक, सरपंच अशोक वरकड़े, शिशुपाल टेकाम, ग्रामीण मनोज अग्रवाल, नितिन कुमार, संतोष रहंगाले, संदीप गजपीय, मनोज यादव, अमन गौतम, निश्चय सयाम, संजय चौकसे, सूरजलाल कटरे, गजेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। कोरोना के लंबे अंतराल के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार जो पंचायत की भागदौड़ है बहुत सारे युवा हाथों में मिली है और ऐसे ही क्षेत्र का सबसे चर्चित जो पंचायत थी सोनपुरी पंचायत, जहाँ पर इस बार जो पंचायत का दायित्व है युवा हाथ में हमारे भाई सुनील के, जो पूरे क्षेत्र में चर्चित और लोकप्रिय है और जनता ने उन पर विश्वास किया। और अगर जिले को मजबूत बनाना है, प्रदेश को मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले भीड़ घंटी का कार्यकर्ता ग्राम पंचायत। अगर हमारी पंचायत सशक्त होगी तो निश्चित तौर पर जिला सशक्त होगा और जिला सशक्त होगा तो एक स्वर्णीय राज्य का जो हम निर्माण करना चाहते हैं वो सही होगा। और हमें बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए पूरे क्षेत्र की खुशी की बात है कि संपूर्ण क्षेत्र में पहली बार हमारे युवा सरपंच भाई सुनील उइके को राज्य स्तर पर प्रदेश उपाध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर इससे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और बहुत सारे युवा एक राजनीति को अच्छा माध्यम नहीं मानते थे, अपनी बात मजबूती से रखने के लिए सामने आएंगे और क्षेत्र का विकास होगा। मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से भाई सुनील उइके के निर्वाचित होने पर, प्रदेश उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उनके जो भविष्य की शुभकामना करता हूँ। थैंक यू। सोनपुरी के सरपंच सुनील उइके को प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच संघ का बनाया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे उपवा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि इस ट्राइबल क्षेत्र से जो भैया देवता और भरतवाड़ा जो बाकी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत सोनपुरी से सुनील उइके जी निर्वाचित हुए हैं और इस ट्राइबल के समस्त सरपंचों में जो शायद मांग होती है उसको प्रदेश स्तर पर बात रखने के लिए यहाँ से सुनील उइके को प्रदेश सरपंच संगठन का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है, हम आशा करते हैं कि इस ट्राइबल क्षेत्र के समस्त सरपंचों की जो समस्याएं हैं, जमीन स्तर पर जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये उद्यमित पहुँचाएँगे ताकि सरपंच जो साहबान हैं वो अपने ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर है। सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर आपके उद्देश्य क्षेत्र के लिए हो गया? देखिए अभी हम पहली बार सरपंच बने हैं ग्राम सोनपुरी के और जिस तरह से अभी मौका मिला है प्रदेश स्तर में जाने का, सरपंचों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सरपंच के पास एक कोई वित्तीय कोष नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या है। और चूँकि हम लोग एक गरीब परिवार से लेकर पूरे गांव के लोगों से जुड़े होते हैं और आपातकालीन स्थिति में हम लोग कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी विडम्बना की बात है। और गांव के लोग हमेशा अपने प्रधान से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि वो उनके बुरे समय में उनके साथ खड़े, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हम लोग किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई पावर नहीं होता है जो हम उनको आर्थिक सहायता कर सकें, इस बात का हमें दुख है। और हमारे जो सरपंच भाई लोग हैं जिनकी कोई सैलरी नहीं होती, जो इतना कम उनको मानदेय दिया जाता है कि वो अपना गुजारा भी नहीं कर पाते।